नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल डीडीबी कैंपस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ और यह नारा पहली बार कब और किसने लिखा था के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हम पहले क्या देखेंगे, इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ क्या है और यह नारा पहली बार कब और किसने लिखा था। तो 72 साल पहले हिंदुस्तान के हर एक रास्ते पर एक नारा गूंजा करता था। उसी दौरान बच्चा बच्चा इस नारे को अपनी जुबान पर लिए घूमता था। आज़ादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी भाई इसी नारे के दम पर अंग्रेज पुलिस अफसरों को लात, घूसों और मार खाया करते थे। यही वो नारा था जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था और वह इससे डर कर क्रांतिकारियों पर जुल्म ढालने लगी। ये नारा था इनकलाब जिंदाबाद का और इसका मतलब होता है क्रांति अमर रहे। अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्ग लाइव रेवोल्यूशन। इस नारे को भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली के असेंबली में साल 1929 8 अप्रैल को एक आवाजी बम फोड़ते वक्त बुलंद किया था और इतना बुलंद कर दिया था कि यह देश की आज़ादी तक सिर्फ यही नारा गूंजा करता था और आज भी सुनाई देता है। दरअसल यह नारा मशहूर शायर हसरत मुहानी द्वारा एक जलसे में आज़ादी ए कामिल की बात करते हुए दिया गया था। तब कोई इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता था। इस नारे पर देश के लोगों ने तब दम दिखाया जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गतिविधियों को और विशेष रूप से अस्फालखुला खां, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने इसको प्रेरित किया। स्वतंत्रता आंदोलन के तारीखवार भारतीय राजनीतिक उपन्यासों में इस स्वतंत्रता समर्थक के दौरान इस नारे को इस्तेमाल करने वाले को एक सूची भी है जिसमें बताया गया है कि इस नारे को स्वतंत्रता के दौरान किस किस ने बुलंद किया था। आज़ादी की लड़ाई में हमने वीर क्रांतिकारियों भाइयों को खोया था। आज़ादी को उसी लड़ाई में सिर्फ एक नारे ने पूरे देश को बांध कर रखा था और वो नारा यही था, इनकलाब जिंदाबाद। वैसे ये नारा आज भी देश के लोगों के मुंह पर लगा हुआ है। आज भी देश में जब धरना देते हैं, किसी के लिए इंसाफ मांगते हैं तो इसी नारे को बुलंद जरूर करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये जानते हैं कि ये नारा किसने लिखा था। चलिए आपको बताते हैं किसने लिखा था यह नारा। सबसे पहली बार यह नारा मैक्सियन रेवोल्यूशन के समय वाइवा ला रेवोल्यूशन के नाम से शुरू हुआ, जिसका मकसद था लोगों में चेतना पैदा करना जिससे वो सरकार के द्वारा हो रहे जुल्मों के खिलाफ लड़ सके। मैक्सिकन रेवोल्यूशन के इस नारे का असर इतना ज़्यादा हुआ कि कई दूसरे देशों में भी इस नारे का इस्तेमाल अपने ढंग से होना शुरू हुआ। वहीं हिंदुस्तान में इस नारे को इनकलाब जिंदाबाद का नाम दिया गया। किसने दिया यह नाम इनकलाब जिंदाबाद के? इस नाम मशहूर उर्दू शायर मौलाना हसरत मुहानी ने इजाद किया, जो एक क्रांतिकारी साहित्यकार, शायर, पत्रकार, इस्लामी विद्वान और समाज सेवक थे। उर्दू भाषा के कवि हसरत मुहानी इस नारे को असली जन्मदाता हैं। यह नारा उन्हीं के कलमों द्वारा साल 1921 में लिखा गया था, जिसे साल 1929 में भगत सिंह ने पहली बार बुलंद आवाज़ में तब्दील कर दिया हमेशा हमेशा। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पसंद आए तो शेयर भी करें। थैंक यू।